हेलो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है किड्स स्पेशल रेसिपी। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए एकदम हेल्दी और नेचुरल फ्रूट से बनी हुई जेली, जिनको कि हम घर पर बना के बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हम बच्चों को बाहर की जेली खिलाने की जगह हम घर पे इस तरीके से जेली बना के उनको खिला सकते हैं, उनको काफ़ी पसंद आएगी। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रूट से जेली बनाएंगे, तो उसके लिए हमने ले लिए हैं आम, अनार और थोड़े से हम ऑरेंज ले लेंगे। यहाँ पर मैं 3 फ्लेवर की जेली बनाऊंगी। आप यहाँ पर चाहे तो अपनी पसंद के और कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑरेंज का जूस निकाल लिया है इस तरह से। ऑरेंज का जूस निकालते हुए हमें इसमें चीनी और पानी ऐड नहीं करना है, बस हमें ऑरेंज को डाल के इसका हमें जूस तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कढ़ाई में ले लेंगे 1 कप चीनी, और चीनी के साथ में हम ले लेंगे 1/2 कप जितना यहाँ पर ऑरेंज जूस। यहाँ पर ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, किसी भी डिब्बे वाला जूस नहीं है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसको लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पून को लगातार चलाते रहना है। जब हमारी चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इस तरह से आप देख सकते हैं झाग बनने लगेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने दीजिए। तो यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी को 60% तक कर लेना है। जो हमने पहले ली थी क्वांटिटी, उसको उबालते उबालते हमें इसको 60% कर लेना है। मतलब कि जब इस तरीके से आप देखेंगे स्पून में लिक्विड को लेके, तो वो स्पून से धीरे धीरे गिरेगा, मतलब कि थोड़ा सा इसका टेक्सचर मोटा हो जाएगा, तब तक हमें इसको उबालना है। तो अभी यहाँ पर ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और दूसरी कढ़ाई में हम ले लेंगे यहाँ पर 1 कप पानी, और इसी के साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर हम जेली बनाने में किसी भी बाहर के पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की जिलेटिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों के लिए हेल्दी जेली बनाएंगे, वो भी फ्रूट से। तो इसीलिए जेली का टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को इस तरह से हिलाते हिलाते आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तो जब इस तरह का टेक्सचर हो जाए, तो यहाँ पर जो हमने जूस वाला पार्ट बना के रखा था, उस पूरे लिक्विड को हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर लिक्विड डाल देने के बाद में हमें इसको लगातार लगभग 10 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहना है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कॉर्नफ्लोर और जो हमारे जूस वाला लिक्विड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई भी गांठें ना रहे। तो यहाँ पर इस तरह से हिलाते हिलाते आप देख सकते हैं लिक्विड ने इस तरह से कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पर हमारा जो लिक्विड है वो जेली बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जेली को हम डालेंगे इस तरीके से यूज़ एंड थ्रो वाले जो ये डिब्बे होते हैं, इनमें आप चाहे तो प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में डाल सकते हैं। यहाँ पर डिब्बे को मैंने बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और इस तरीके से हम हमारा जो लिक्विड है उसको इस तरीके से हम प्लास्टिक के डिब्बों में या फिर इस तरह के डिब्बों में डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा ये लिक्विड जो है वो रूम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आ जाता है, तब तक इसको हम पंखे के नीचे ठंडा करेंगे, और फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हमने बनाई थी ऑरेंज फ्लेवर की जेली, तो अभी हम बनाएंगे अनार की जेली। अनार का जूस है ये। अनार को मैंने इस तरीके से मिक्सी में डाल के इसका जूस निकाल लिया है। जूस निकालते वक्त हमें कोई भी फ्रूट में पानी या फिर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इसका जूस निकालिए और छान लीजिए। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 कप चीनी। प्रोसेस सभी फ्रूट की जेली बनाने का सेम रहेगा। तो यहाँ पर 1 कप जेली के साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप जितना अनार का जूस। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब जूस निकालें तो उसको छान के ही जेली बनाने में यूज़ करें। तो अभी इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को हाई कर देनी है, और इसको भी हमें 60% तक इसकी क्वांटिटी कर लेनी है। इसको उबलते उबलते इसको हमें 60% तक, जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसको उबालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, तो अभी हमारा लिक्विड थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और उबालेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लिक्विड का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे स्पून से गिर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा टेक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अभी दूसरी कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 कप जितना पानी, और इसमें भी हम डालेंगे 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर, और उसको भी हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करते वक्त आप गैस की फ्लेम को हाई ना करें, मीडियम रखें,
और उसको लगातार चलाते रहें। अगर इसको आप छोड़ देंगे तो जो हमारा कॉर्नफ्लोर वाला ये मिक्सचर है उसमें थोड़ी गांठें बन जाएगी और हमारी जेली अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है ये भी एकदम गाढ़ा पड़ गया है। तो अभी इस स्टेज पे हमने जो फ्रूट वाला मिक्सचर बना के तैयार किया है उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें भी गांठें पड़ जाएगी। तो अभी इसको भी चलाते चलाते हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं लिक्विड ने हमारा कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी हमें इस तरीके से बटर से ग्रीस किए हुए कंटेनर में हम पोर कर देंगे और इसको भी ठंडा होने के बाद में हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि जो हमारी जेली है वो अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पर हमारी अनार फ्लेवर की भी जेली बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम बनाएंगे हमारे तीसरी तरह की मैंगो फ्लेवर की जेली। तो उसके लिए मैंने मैंगो के पल्प को इस तरीके से निकाल लिया है। इसमें भी हमने शुगर या फिर कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये प्योर मैंगो का पल्प है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में इसमें भी हम 1 कप चीनी ले लेंगे, इसी के साथ में हम 1/2 कप ले लेंगे मैंगो का पल्प और इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी भी 60% तक कर लेनी है। इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए। फिर यहाँ पर स्पून से लेके हम देखेंगे जैसे ही हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा पड़ने लगे, इस तरीके से स्पून से धीरे धीरे गिरने लगे, तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अभी यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप जितना पानी और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर। इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है और गाढ़ा होने तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है। और अभी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हमारा मैंगो वाला पल्प जो हमने तैयार करके रखा है और इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने न लगे। लगभग 10 मिनट तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है। तो अभी यहाँ पर मैंगो वाले जो जेली है इसको भी हम इस तरीके से इस कंटेनर में डाल देंगे जिसको कि हमने बटर से ग्रीस करके रखा है। तो यहाँ पर इसको भी हमें रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको हमें ठंडा होने देना है और फिर 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीनों फ्लेवर की जो जेली है वो एकदम अच्छे से फ्रिज में सेट हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं आपको एक एक करके इसको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप ऊपर से पहले इसका रैपर हटा लें और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो आराम से हमारी जेली इस तरीके से कवर से बाहर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया, हमारी एकदम मार्केट जैसी जेली हमने घर पर बना के तैयार की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सभी जेली बहुत ही अच्छे से निकल रही है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया आया है। तो यहाँ पर आप बाज़ार से बच्चों को जेली खिलाने की जगह इस तरीके से घर पे बना के उनको दें, उनको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप आगे से देख सकते हैं हमारे जेली का जो टेक्सचर है, इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया। देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो शाइन है ऊपर वाली वो देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है एकदम गीला घिचपिचा सा वो देख सकते हैं। जैसे जेली मिलती है मार्केट में वैसी ही जेली हमने घर पे बना के तैयार की है। तो एक बार इस रेसिपी को बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो जेली को इस तरीके से कट करके इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जेली के ऊपर थोड़ी सी पाउडर शुगर जो है वो कोट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास कैस्टर शुगर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी, उसको भी इस तरीके से जेली के टुकड़ों के ऊपर कवर कर दीजिए, अच्छे से कोट कर दीजिए चीनी को, और फिर इसको भी हम एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडी जेली बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी जेली को चीनी में अच्छे से कोट कर लिया है। तो अभी चीनी लगाने के बाद भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम जेली जैसी होती है, गीली गीली जूसी जूसी वैसी हमारी जेली बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और आपके अपने चैनल प्रीतीज़ केक एंड कुकिंग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।